तो हाँ जी दोस्तों, आज हम खेल रहे थे न्यू अपडेट। और भाई न्यू अपडेट कुछ ऐसा है कि ब्रिज कैंप अब ब्रिज कैंप नहीं रहा, इसके दोनों तरफ पुल उल सब बना दिया है। और अच्छा, हमको सिखा दिया है। मेरे टीममेट्स की रात की उतरी नहीं है, मतलब कल होली थी तो कल होली में चढ़ा लिया है जो कि उतर नहीं रही। तो हम मैंने बोला इनको ब्रिज कैंप करते हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने सुना नहीं और भगाए जा रहे थे। तो बोल रहे थे कि नहीं भाई ब्रिज कैंप नहीं करना। तो हमने कहा चलो ना भाई चलते हैं। इनको यार मोटिवेशन दे रहा था, फिर यार इतनी ज़्यादा मैंने मोटिवेशन दी थी कि इन्होंने गाड़ी घुमा ली डायरेक्ट। यार मेरी बात तो मैं जादू। चलो तो हमारी बातों से इतना उत्साहित हो गए कि आ चुके हैं ब्रिज कैंप करने, और सामने से बंदे भी आ रहे हैं। अब भाई बंदे ये देख के मैंने अपने टीममेट से बोला चलो निकल लेते हैं, अब हमारी पेटी बनने वाली है। तो आखिरकार 300-400 साल बाद उन टीममेट्स ने रस ही कर दिया, मतलब रस कर दिया आखिर हार। अब मेरे को सामने दिख रहा था, मैं मारने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यार लग ही नहीं रही थी उसको, और लग नहीं रही थी तो यार फिर मैं कुछ कर नहीं सकता था। फिर मेरे भाई शैतानी दिमाग में आइडिया आता है और मैं फेंकता हूँ छोटा भीम का लड्डू। अब भाई लड्डू क्या ही फेंका यार, क्या ही गया, खुद देखो। अब भाई ये देख के मैं कोई हैकर वैकर मत बोलने, जस्ट एक टुक्का लग गया, टुक्का नहीं मतलब बोल सकते यार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भाई ग्रेनेड में। मेरा हर ग्रेनेड में 3-4 बंदे नॉक हुए हैं, बस ये एक था इसलिए एक नॉक हुआ है, अगर यहाँ 3 रहते तो 3 नॉक होते, ये तो रही काम की बात। अब तो भाई ग्रेनेड में पंगे मत लेना पहले, कल बता रहा हूँ मैं, फिर बाद में सोचो कि तुम ग्रेनेड से आ जाओ 1v1 करते हैं, तो यार लोबी जाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। अब मेरे दोनों टीममेट्स को उसने नॉक कर दिया था, मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा भारी और नहीं मिलेगा, मैंने सीधा रस कर दिया क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ था। और भाई आगे पीछे जहाँ से जगह मिली मेरे को, मतलब पीछे से मिली, मैं जाके मार दिया। अब भाई ये अपडेट को इतना गाली दे रहे होंगे ना, क्योंकि मेरे से ये मारा है, अगर हम मरते तो हम देते, इसमें कोई अच्छी मतलब वो नहीं है भाई, जस्ट लॉजिक। अब मैं अपने टीममेट्स को उठा उठा के जो बचा था, जस्ट इनको उठा के बस चलने की बारी आती है हमारी। तो चलने के बारे में ये हमारे टीममेट्स हैं, इनको देखो, मतलब मैंने इनको क्या गलती से बोल दिया कि जो गाड़ी चला गया उनको मैं नौकरी पर रख लूँगा ऐसे ड्राइवर। अब भाई ये लड़ने लगे, अब इनके लड़ने के चक्कर में वो बंदे आ जाते हैं वापस, मतलब रिकॉइल हो गए। अब भाई इनकी हिम्मत देखो, हम रिकॉइल होते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई जहाँ सेफ जगह है वहाँ चलते हैं एकदम आराम से, जहाँ बूट भी ना सके, इसलिए हमारी प्रोग्रेस देख सकते हो हम कैसे प्रो बंदे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, तो मेरे को अपने टीममेट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व था, भरोसा था, लेकिन भाई वो भरोसा अब दिख नहीं रहा कि भरोसा का कहीं भोसला ना हो जाए, अब ये होने वाला है। और आखिरकार भाई इनकी प्रोनेस देखकर हमारा मन उठ गया, तो हम जा रहे हैं अनइंस्टॉल करने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।